जैसा कि हम सभी को विदित है कि राज्य सरकार की कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके ऊपर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 19 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और मैंने ये देखा कि चाहे प्रतियोगिता हो, आशु भाषण प्रतियोगिता हो या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो, महाविद्यालय के पीजी कॉलेज हो या गर्ल्स कॉलेज हो, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इनमें हिस्सा लिया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से ना केवल हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि ऐसी प्रतियोगिताओं से भाग लेने से जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहता है सर्वांगीण विकास में भी बहुत सहायक होते हैं। और हमारे बीच ये बहुत ही खुशी की बात है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सुश्री शालिनी गुप्ता मैडम ने दिनांक 16 दिसंबर को स्थानीय महाविद्यालय में कार्यग्रहण किया। हमारे महाविद्यालय में ऐसे ही स्टाफ की बहुत कमी चल रही है तो मैडम के आने से काफी सपोर्ट मिलेगा कॉलेज में। और मैडम ने फिजिक्स विषय में ज्वाइन किया है और मैडम को अभी मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे और मैंने देखा है कि मैडम का जो नेचर है वो काफी सिंपल एंड सोबर है और वो काफी डिसेंट तरीके से काम को करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैडम का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मैडम आपका, बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज में। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैडम कॉलेज के जितने भी कार्य होंगे उनमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। मैडम, हमारा जो महाविद्यालय परिवार है वो सरकार के इस आदर्श पर चलता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है हमारा, छोटा ही स्टाफ है। आप उसमें पढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 10-15 दिन आपको शायद ज्वाइन किए हो गए हैं, आपको यहाँ पर आकर के कैसा अनुभव हो रहा है? आपने जब इस सेवा से पूर्व यानी कि महाविद्यालय शिक्षा ज्वाइन की, उससे पूर्व आपने अन्य कोई सेवा में ज्वाइन कर लिया था? वन सेवा में अधिकारी पद पर आपने ज्वाइन कर लिया ऐसा ज्ञात हुआ, क्या उस समय आपने क्या सोचा था? उसके बाद में उस सर्विस का त्याग करके आपने उच्च शिक्षा को ज्वाइन किया, क्या सोच करके किया और आपको अब कैसा लग रहा, इसके बारे में अगर आप अपना अनुभव हमें सुनाओगे तो हमें भी और विद्यार्थियों को भी बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं मैडम शालिनी गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी का मेरा इस तरह से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि संध्या ने बताया कि मैंने यहाँ आने से पहले वन विभाग में अपनी सेवा ज्वाइन कर ली थी, उसका कारण यही था कि सबसे पहले उसी की ज्वाइनिंग आई थी तो इसमें कितना भी टाइम लगता था इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा, पर मुझे लगा कि मैं अपना जो मतलब एक्सपीरियंस मेरा उसके तुलना में यहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने। धन्यवाद मैडम। हमारे मार्गदर्शक, हमारे सीनियर श्री गोयल साहब से मुझे संकेत इस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे बाकी चल रहे हैं एक्चुअली में, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को समाप्त कर लिया जाए,
लेकिन मुझे इस तरह का मौका कभी कभार ही मिलता है सर। मैं तो विद्यार्थियों से मैं यही कहता हूँ कि बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। और प्रिंसिपल सर, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये जो 6 दिन तक प्रतियोगिताएं चली थी उनमें हमारे विद्यार्थियों में काफी निखार आया। पहले दिन उनमें झिझक थी और धीरे धीरे 23 तारीख तक उनमें मुझे और उपमा मैडम को काफी निखार महसूस हुआ। उच्च शिक्षा के जो केंद्र होते हैं, महाविद्यालय शिक्षा हो चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा, देखो पढ़ना और पढ़ाना ये तो विद्यालयों में भी होता है, लेकिन विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने के अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो रिसर्च का होता है, अनुसंधान का होता है। हमारे महाविद्यालय परिवार के संकाय सदस्य श्री श्रीनिवास जी, जो आज मैं कह सकता हूँ डॉक्टर श्रीनिवास गुजर साहब ने अभी हाल ही में आपको पीएचडी अनुसंधान कार्य के लिए कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। आप कोई भी जो अनुसंधान कार्य होता है वो कुछ नवीन तथ्यों की खोज करता है, जो पुराने तथ्य होते हैं उनकी परीक्षा करता है, कुछ नई थ्योरी बिल्ड करने का प्रयास किया जाता है, जो पुरानी थ्योरी होती है उसे या तो प्रूव किया जाता है या उसमें रिफॉर्मुलेशन किया जाता है या उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि आप रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं, ज्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी जब अनुसंधान कार्य करता है तो उसी वैज्ञानिक पद्धति से गुजरता है, जिन वैज्ञानिक पद्धतियों से जो नेचुरल साइंस के विषय गुजरते हैं, इस वजह से रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैं भी ज्ञान प्राप्त है। उस ज्ञान के माध्यम से ही मैं ये कह सकता हूँ कि रिसर्च का कार्य वास्तव में एक लंबा कार्य होता है, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। मैं प्राचार्य महोदय और हमारे वरिष्ठ संकाय सदस्य श्री गोयल साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आपकी श्रीनिवास जी की इस उपलब्धि पर श्रीनिवास जी को माला पहना करके उनका सम्मान करें।